What's the derivative? Consider a continuous smooth function f of x, y, f of x is equal to y, mapping the number x to a new number y. We can use this function in figure 2.515 as an example. आपके पास ये फंक्शन है, इसमें x की एवरी वैल्यू के रिस्पेक्टिव एक y की वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक। बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो स्मॉल चेंज इन x कैन ओनली रिजल्ट इन अ स्मॉल चेंज इन y. That's the intuition behind the continuity. Let's say you increase x by a small factor, epsilon x. This results in a small epsilon y change to y. यानी माइनस ही चेंज होगी, अगर x थोड़ा सा चेंज होगा तो y भी थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका x जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता है, तो आपका जो y है वो वर्टिकली जो है इतना कम हो गया, यानी कि इतना डिस्टेंस उसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो है y कम हो गया, इतना x जो है वो इतना कम हुआ, इतना ज़्यादा हुआ। तो x ज़्यादा हुआ, x बड़ा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन y कम हुआ यहाँ से नीचे यहाँ तक। तो सर किसी को सवाल समझ आया जी? करके आइए बात। सर एप्सिलन बता दें। एप्सिलॉन स्मॉल चेंज, इन एडिशन बिकॉज द फंक्शन इज स्मूथ, क्योंकि ये फंक्शन स्मूथ है, कंटिन्यूअस है, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं आ रही, ठीक है, कंटिन्यूअस है। इट्स कर्व डज नॉट हैव एनी अब्रप्ट एंगल और अब्रप्ट चेंजेस। व्हेन एप्सिलॉन एक्स इज स्मॉल इनफ अराउंड अ सर्टेन पॉइंट पी, इट्स पॉसिबल टू अप्रोक्सीमेट एफ एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ स्लोप ए, so that epsilon y becomes slope multiplied by epsilon x. तो असल में स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है रेट ऑफ चेंज। तो आप किसी पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप उसका होता है कि उस पॉइंट के ऊपर आपका रेट ऑफ चेंज क्या है, मतलब आपके एक्स की वैल्यू चेंज हो रही थी, वाई की वैल्यू में क्या चेंज आ रही है, उसको हम स्लोप कहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि अप्रोक्सीमेशन अगर लेंगे, आप क्या करेंगे, मतलब स्मॉल चेंज इन वाई इज इक्वल टू स्लोप मल्टीप्लाई स्मॉल चेंज इन एक्स, रेट ऑफ चेंज मल्टीप्लाई उसका एक्स की वैल्यू आएगी तो वो आपकी वाई की वैल्यू बनेगी। तो दैट मीन्स अगर आप फंक्शन में अगर एक्स की अंदर स्मॉल सी छोटी सी चेंज करें, तो वाई जो है आपका क्या बनेगा, वाई आपका यानी ओल्ड वाई प्लस ये वाली चेंज, ठीक है, इसके अंदर जितनी चेंज आई है, मतलब ये आपका एप्सिलॉन वाई की वैल्यू यहाँ लगा देंगे ये चीज़। Obviously, this linear approximation is valid only when x is close enough to p. This slope is called the derivative of f in p. अगर आप एक पॉइंट के ऊपर आप अगर क्या करते हैं, उसमें चेंज लेते हैं x, x में अगर थोड़ी सी चेंज हो अगर इस पॉइंट p के ऊपर, तो y में भी थोड़ी सी चेंज आएगी, और वो चेंज किसके बराबर होगी, स्लोप मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एक्स, तो वो आपकी वाई में चेंज आएगी। तो इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर हमने उसका वो मतलब ये वाला लिया है अप्रोक्सीमेशन, ये वाली अप्रोक्सीमेशन जो ली है, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। इस पॉइंट के ऊपर ये हमने डेरिवेटिव लिया है इसका। इफ ए इज नेगेटिव, अगर आपका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, इट मीन्स अ स्मॉल इंक्रीज इन एक्स अराउंड पी विल रिजल्ट अ डिक्रीज ऑफ एफ एक्स।
आपका क्या होगा कि अगर ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ए नेगेटिव का मतलब है कि अगर आपके एक्स के साथ जो है वाई की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो स्लोप नेगेटिव है, लेकिन अगर आपके एक्स की चेंज होने के साथ साथ वाई बढ़ रहा है तो वो आपके स्लोप पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए कि आपने एक्स चेंज हो रहा है तो वाई कम, एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो तो वो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, अगर एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ रहा है तो वो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि इफ ए इज पॉजिटिव, अगर आपका स्लोप है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि आप यहाँ से जा रहे हैं इस तरफ ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जा रहे हैं ना, तो एक्स बढ़ रहा है इस तरफ, एक्स बढ़ रहा है, ठीक है, और वाई ऊपर को बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, सही। लेकिन एक पॉइंट आएगा कि ये जो है इधर इधर, जब आपका एक्स बढ़ेगा तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम भी होता है। ये जहां से नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हुआ है। सर आपका माइक म्यूट था। अच्छा इमरान भाई ये कहता है कि जहाँ ये पीक आ रही है ना, पीक से अब ये नीचे जा रही है ना कर्व, तो दैट मींस अगर आप एक्स बढ़ा रहे हैं तो आप वाई जो ऊपर जो हर यानी कि ये जो वर्टिकल है ये वर्टिकल कम होना शुरू हो गया ऐसे नीचे की तरफ, यानी कि ये इस जगह यहाँ 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 ये वर्टिकल जो है ये अब डिस्टेंस कम हो रहा है ना वर्टिकल लिए ऐसे। तो अब एक्स के साथ साथ जो है क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है ये आपका वर्टिकल, तो दैट मींस पहले तो बढ़ रहा था एक्स, बढ़ रहा था तो ये बढ़ रहा था, लेकिन अब एक्स बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो लाइन है ऐसे जाएगी, ये स्लोप पॉजिटिव ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे आपका जो ट्रेंड ये ऐसे बन रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, ये इधर भी नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, तो ये जो है आपका स्लोप नेगेटिव होता है, ये आपका स्लोप होता है पॉजिटिव, जो आप यानी कि एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं ना, टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट का पता है ना, टेंजेंट का, जी, क्यों नहीं पता सर। यस एक कर्व होती है टेंजेंट आर्क को, वो एक होती है आपकी किसी भी एक्सिस में, तो मैं जो इसको समझता हूँ थोड़ा सा, बाकी वैसे वो एंगल है एक आपका, वो या जो जो है रेशियो ये उसका। आपके लाइन इस पॉइंट को कट करती है, जिस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव लेते हैं उसका, ये तो वो टेंजेंट के बराबर होती है। अभी ये तो थोड़ा सा ना इसको डिस्कस में लेके जाते हैं, ये स्लोप ये वो है क्या बेसिकली, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, हम कर क्या रहे हैं, फंक्शन जो है फंक्शन ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू वाई ए, ठीक है ना, जी और बेसिकली ये है क्या चीज, फंक्शन ऑफ एक्स। अब जब हमने उसको एप्सिलॉन एक्स ऐड किया दोनों तरफ, और उधर जो है ना वो एक मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन एक्स हो रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं इन अ इजी वे कि ये है क्या मैथमेटिक्स का कौन सा फंक्शन, और ये क्या कॉन्सेप्ट है हमारे डेरिवेटिव्स के, मैग्नीट्यूड के, ठीक है ना, जिस तरह हमारे जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर और डिस्क्रीट क्या है, कंटिन्यूस क्या है, इसमें दो है ना आपके, ये कंटिन्यूस को हम डिस्कस कर रहे हैं शायद, और एक डिस्क्रीट भी होता है इसमें, तो ये थोड़ा सा हम एक कंटिन्यूस ओवरऑल, जी मैं थोड़ा सा कंटिन्यूसली बोला करें, बोल के वाज बंद ना किया करें प्लीज, सॉरी। सॉरी, वो मैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का डिफरेंस बता रही थी, आप कंटिन्यू करें, सॉरी। बताना हो तो कंटिन्यूसली बोला करें, ताकि कंटिन्यूसली ही बोला करें, डिस्क्रीट ना किया करें चीज को, तो वो सर इसको हम वही मैं कहता हूँ डिस्कस कर लेते हैं जिसको ये चीजें सारी आइडिया, ताकि इसको थोड़ा सा हम समझ पाए कि ये है क्या चीज, एप्सिलॉन क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड क्या है, डेरिवेटिव्स क्या है इसमें, ये हर एक टर्मिनोलॉजी एक अलहदा से ही चैप्टर है पूरे पूरे, ठीक है ना सर, तो ये इसको हर टर्मिनोलॉजी एक अलग चैप्टर है, एक मैथमेटिक्स है, तो इसमें हम जो तो सीख रहे हैं यहाँ पे कोर वो हम बंदा है, हाँ थोड़ा सा कोई बंदा एक्सप्लेन इसको इजी वे में कर सकता है जो मैथमेटिक्स का जो एक्सपर्ट है यहाँ पे, मैं टर्मिनोलॉजी सारी पढ़ी है मेरे तो, ये जेन से निकली मैं बीएससी। यार बात सुनिए, आपका जो है
जरा वो लगा लूँ राइटिंग वाला। जी जी यार बात ये है ना इमरान भाई, बात ये है कि आपका अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जी एफ एफ एक्स से स्टार्ट करते हैं ना। हाँ एफ एफ एक्स से स्टार्ट करते हैं कि पहले हमारे पास वाई था इज इक्वल टू एफ एफ एक्स, बिल्कुल सही है ये समय। वाई जो है वो एक्स का फंक्शन है, हम ये कह सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है ना। ठीक है y is equal to f of x हो, तो अगर y अगर हो मिसाल के तौर पे 2x square, ठीक है ये इक्वेशन है, ठीक है ये इक्वेशन है। अब ठीक इसके है अंदर अगर आप इसका डेरिवेटिव हम लेते कह हैं सकते हैं fx is equal to हाँ 2 2 4x आ जाएगा ना, 4x आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, dy over dx लेना, हाँ वो 4x आ जाएगा, dy over dx लेते हैं तो क्या आता है 2 4x into आ जाएगा टू इंटू एक्स इंटू टू x माइनस वन माइनस वन इंटू टू वन डी डी वाई ओवर डी एक्स और dx ओवर डी एक्स। ठीक dy ओवर dx। अच्छा डी वाई नहीं डी एक्स ओवर डी एक्स, dx तो ये कट जाएगा ना आपस में, तो तो इन इसका शॉर्ट हो गया 4x की आपका 4x आ जाएगा ना इन शॉर्ट अगर हम आ गया इसको। ये डेरिवेट आया इसका 4x। ठीक अब ये जी जो 4x है ये क्या है आपको पता है, ये है स्लोप ऑफ द लाइन एट एनी पॉइंट। ठीक है ठीक है, मैं ये मतलब कह रहा था कि आप जो आपका टॉप टॉप पोजीशन है ना जहां से ये वापस आनी शुरू हुई है कर्व, तो इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मेरे हिसाब से कहते हैं, यहां से कर्व को ऊपर जाते जाते जहां से वापसी पीक पॉइंट है ना, जो पीक पॉइंट है मैं इसको जो समझता हूँ इसको सर्च करेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मेरे जेन्स में आ रहा है कि शायद इसको यही कहा जाता है। तो अब वहां वो से वापस मिनिमा मिनिमा ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा। हाँ तो अब वहां से जाके इसने वापस आना है क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होनी शुरू हो गई है, क्योंकि इसकी वैल्यू पहले बढ़ती है फिर कम होती है, ठीक है ना। जी अच्छा अब अगर हम एक्टिवेशन भी देखें तो उसमें भी दो तरह के फंक्शन होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर फंक्शन होते हैं, अगर आपने देखा होगा शायद, ठीक है ना। तो एक एक वो होते हैं जी, दो हम ऊपर पढ़ चुके हैं एक्टिवेशन वो रेलू तो पढ़ चुके हैं। नहीं उसमें कितनी किस्म के होते हैं फंक्शन, लीनियर में कौन से आते हैं नॉन लीनियर में कौन से आते हैं, कोई आइडिया है कोई बताएगा मुझे। वो डिस्कशन जो है फिर वो एक्टिवेशन फंक्शन पे चली जाएगी। नहीं नहीं अच्छा चले चलो डेरिवेटिव डेरिवेटिव ये 4x आपने निकाल लिया, चलो हम यहां से आगे चलते हैं सॉरी अच्छा एक मिनट पहले मैं वो बात पहले क्लियर। हाँ इसका मतलब अब इसका मतलब पता क्या है इसके 4x का मतलब, इसका मतलब है अगर मिसाल के तौर पे 2x स्क्वायर की जो कर्व आप पता है कर्व कैसे बनेगी, 2x स्क्वायर की अगर आप कर्व बनाना चाहें कैसे बनेगी। एमएस पेंट किधर गया है इशारे इशारे बाद आ जा। अच्छा वो बस एक ये डेरिवेटिव मुझे जबानी भाई ने डबल मैथ स्टैट बीएससी की हुई है किसने ना वो भाई ने इसके शारिब के ना उनको बुला रहे कब की हुई है, मैंने तो की मैंने भी की हुई है लेकिन मैंने मैंने की हुई है बहुत पुरानी तो मुझे तो हर चीज भूली हुई है। सर मैं भी बीएससी डबल मैथ स्टैट मैं थोड़ा सा वेरी स्टैट प्राण भाई बड़े चुपचाप उसमें आज बता रहे हैं आज बता रहे हैं आप जी। मैं सर मुझे इसलिए तो आते नहीं ये चीजें अच्छा देखें अच्छा आप चले बात कर रहे हैं ना मैं वो आप मैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि मैं भी मेरा भी क्लियर हो जाएगा। ये अब है y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है अब आप इसको ड्रा करना शुरू करें इस तरह कि x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू क्या आएगा 1, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू क्या आएगा 4, ठीक है सर हाँ डबल जाएगा x डबल जाएगा ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये आपका x इज इक्वल टू 3 तो y क्या आएगा 3 3 और 9, ठीक है वो 9 चला गया। तो आप इसको ड्रा करेंगे ऐसे तो ये पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगी एक पॉइंट फिर ये यहाँ आएगी एक पॉइंट तो ये क्या हो रहा है ये बढ़ता जा रहा है ठीक है ऐसे बढ़ रहा है ठीक है। और इसी के से आगे आएगा आपका x इज इक्वल टू 4 अगर आया तो क्या आएगा ये क्या आएगा 16 16, ठीक है तो
ये आपका यहाँ पे वो आगे जाके ये इस तरह से जाएगा ऊपर, ठीक है, एक कर्व जाएगी ऐसे 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 कर्व जाती जाएगी ऊपर, ठीक है। अब अच्छा मैंने लिखा टू एक्स स्क्वायर लिखा, अब अगर इसका आप डेरिवेटिव लेते हैं ना डी बाय और डी एक्स, वो आता है टू इंटू एक्स, ठीक। तो ये जो है ना एक किसी भी पॉइंट के ऊपर जो डेरिवेटिव होता है, तो इसका ये होता है आपका ना यहाँ पे आप एक वो लगाते हैं एक टेंजेंट लाइन होती है, यहाँ पे आप पॉइंट को टच करती है ना टेंजेंट लाइन होती है, ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे बताएं इस कर्व में कहीं भी नेगेटिव स्लोप आना है या नहीं आना, जी क्या कर रहे हैं नहीं आप? आना, नहीं ऊपर ही रहेगी ना अभी। हाँ इसमें नेगेटिव स्लोप नहीं आएगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज जो है ना वो पॉजिटिव है, ठीक है, उसके हिसाब से पॉजिटिव जा रहा है। तो ये कर्व ऐसे ही जाती जाएगी, ऐसे 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 एंड सो ऑन, ठीक है। तो नीचे नहीं आनी कभी, ये इक्वेशन ऐसी है असल में, ठीक। तो ये चीज़ है, अच्छा तो ये हो गया। अब इसका डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि आप ना रेट ऑफ चेंज होता है आपके ना भाई किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे आपकी ये कर्व है, ठीक है, ऐसे ये कर्व है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप जब डेरिवेटिव लेते हैं ना डेरिवेटिव, तो उसका ये इसका मतलब होता है कि भाई आपका जो एक्स में जो रेट एक्स के मुताबिक जो है वाई में रेट ऑफ उसका रेट ऑफ चेंज क्या है, ठीक है, ये होता है रेट ऑफ चेंज। तो इसलिए आप जब आप देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली इसको ये कहेंगे ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ रेट ऑफ, हाँ जी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, वो मतलब ये चीज होगी। तो इसमें जो है आपके पास ये क्या हो गया यहाँ पे, इफ ए इज नेगेटिव, मतलब अगर ए नेगेटिव हो जाए, इट मींस अ स्मॉल चेंज इन एक्स अराउंड पी विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन वाई, ठीक है। अगर आपका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव हो जाए, मतलब आपका स्लोप नेगेटिव हो जाए, तो दैट मींस जब स्लोप नेगेटिव हो गया दैट मींस आपके एक्स के बढ़ने से वाई बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है, ठीक है ठीक है। अच्छा उसके बाद फर्दर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए the magnitude of the derivative tells us that you how quickly this increase or decrease will happen, aur matlab aap agar iska magnitude le le, theek hai, magnitude le le, to magnitude ka matlab ya to iska square le le, theek hai, matlab jo rate of change hai agar wo negative hai, misal ke taur pe minus 2x uska aaya yahan pe is point pe, kyunki agar slope negative hai to wo negative mein aayega negative 2x, theek hai। तो इसमें अगर आप इसके मैग्नीट्यूड लें या इसका स्क्वायर लें तो उससे पता चलेगा कि क्या पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड जो है उसके डेरिवेटिव का टेल्स यू हाउ क्विकली दिस इंक्रीज और डिक्रीज विल हैपन, मतलब जो आपकी रेट ऑफ चेंज आपको बता रहा है कि असल में कितनी, मतलब जो चेंज है उसमें कितनी तेजी से आ रही है, ठीक है। ये स्लोप आया कि ये स्लोप एकदम बहुत तेजी से नीचे आता है या स्लो स्लो आ रहा होता है, ठीक है, मतलब आप यहाँ स्लोप का मतलब क्या होता है, एक आप मैं एक आम लफ्जों में समझाऊँ, अगर हम बात करें समझाऊँ क्या, आप अगर ऐसे देखें स्लोप क्या होता है रेट ऑफ चेंज, यानी कि अगर ऐसे हो तो स्लोप कम है, यानी कि अगर आप एक सरफेस है ऐसे ढलवान है, आप यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ आप बैठे हैं यहाँ पे तो आप नहीं गिरने वाले, लेकिन अगर इसी एक तख्ता है उसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, अगर आप उसको ऐसे करते हैं तो उसी जड़ा ना थले आओगे हैं, फिर इतना करो फिर ते सिर से बाहर गिरोगे, ठीक है। तो सर वैसे आप कह रहे हैं नीचे गिराना है आपने बस, इमरान भाई मैंने आपके लिए नहीं कहा, नीचे से पहाड़ की तरफ देख लेते हैं ना सर, जमीन पे बैठ के पहाड़ को देख ले सर, ठीक है। तो ये स्लोप है, स्लोप जितना बढ़ता जाएगा उतना ही तेजी चेंज रेट ऑफ चेंज उतना फास्ट होगा, यानी कि
ठीक है, उतना ही जो है ना एकदम से वैल्यू में जो है ना वो चेंज आएगी। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर छोटी सी चेंज आ रही थी एक्स में, तो वाई बड़ी तेज से बढ़ रहा था। ठीक है, वाई बड़ी तेज से बढ़ रहा था, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट देखे ना ये, ठीक है, ये यानी कि ये वाई है और ये एक्स, ये वाई है और ये एक्स। अगर यहाँ देखें ऐसे, ये वाई ऐसे एकदम बढ़ता है, ठीक है, थोड़े थोड़े एक्स के लिए। ठीक है, तो दैट मीन्स ये स्लोप बहुत हाई है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे पहाड़ी है, बिल्कुल सीधी आप इस पे बैठे हुए हैं। जैसे जैसे ये कम होता जाएगा, आप इसे एक ड्रॉ, यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे कर्व, एक लाइन, सॉरी जो है, मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ, ये जो है आप यहाँ पे जब ड्रॉ करेंगे यार, तो ये स्लोप जो है आप देख रहे हैं, ये बहुत हाई, बहुत ज्यादा स्लोप है। क्यों? क्योंकि छोटी सी एक्स के लिए वाई में बहुत ज्यादा चेंज आ रही है। ठीक, लेकिन जैसे ही ये इधर पहुंचता है, तो अगर आप यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ करें लाइन, आप देखें ये स्लोप कम हो गया, ठीक, थोड़ा सा इसकी निस्बत, इस लाइन की निस्बत ये स्लोप कम हो गया, अब थोड़ा सा आगे गया। अब दैट मींस के उतनी चेंज नहीं हो रही वाई में, यानी कि यहाँ पे अगर एक्स ये है, तो यहाँ पे एक्स वाई में कितनी चेंज आई है, थोड़ी सी चेंज आई, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे आया, तो फिर दोबारा से ये लाइन अब ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, और स्लोप कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और हत्ता के पीक पे पहुंच के वो बिल्कुल बराबर हो जाता है ऐसे। ठीक है, यहाँ स्लोप जीरो हो जाता है, जो कि आपकी एक्स और वाई ये आपके ना पैरेलल हो जाती है, ये लाइन स्लोप की। स्लोप का मतलब है कि अब ना आपका जो ना सरफेस बिल्कुल ना लेवल हो गई है, तो उसी बैठ स्ट्रेट हो जाओगे, गए। डिगोगे, ठीक है। हाँ, और अब जो है जब ये कर्व नीचे आनी शुरू हुई है ना, तो स्लोप अब नेगेटिव होना शुरू हो गया यहाँ से। ठीक है, अब जो है ना ये नेगेटिव होना शुरू हो गया नीचे, ठीक है, यहाँ से फर्दर, यहाँ से फिर फर्दर। अच्छा, फिर दोबारा से जब कर्व एकदम नीचे आ रही है, तो दैट मीन्स आप छोटी सी एक्स के अंदर जो चेंज करेंगे, तो तेजी से जो है ना वाई की वैल्यू गिरेगी। ठीक है, तेजी से वाई की वैल्यू गिरेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें जो है, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बताता है कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। दूसरा, हमें उसका जो मैग्नीट्यूड होता है कि हम उसका अगर मैग्नीट्यूड ले लें स्लोप का, उससे हमें पता चलता है कि कितनी तेजी से, कितने फास्ट जो है ना वो आपका ये डिक्रीज हो रहा है एक्स के मुताबिक वाई। ठीक है, इसको कहते हैं आपका रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये कहता है कि फर्दर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आपका जो है स्लोप ए, जो डेरिवेटिव लिया आपने, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो बताता है कि आपका जो कितनी तेजी से जो है ना वो चेंज हो रहा है, मतलब एक्स के मुताबिक वाई में। ठीक है, तो ये चीज हो गई। फॉर एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स, डिफरेंशिएबल मीन्स कैन बी डिराइव्ड, फॉर एग्जांपल स्मूथ कंटिन्यूस फंक्शन कैन बी डिराइव्ड, there exists a derivative function of f dash dash of x that maps the value of x to the slope of the local linear approximation of the f in these points. For instance, the derivative of cos x is minus sin x, derivative of f of x a is equal to a, yani ki aapka ye a aapka derivative ho gaya aur multiplied by x, theek hai, is f dash f of x is equal to a. तो आपका जो फर्ज किया, आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्टैरिक एक्स है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए हो जाएगा, यानी कि आपका ये फंक्शन है एक, ठीक है, ये एक फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, जैसे मैंने कहा था, तो या एक्स स्क्वेयर, तो आप उसका लेंगे, तो उसका लेंगे डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आएगा कॉस का माइनस साइन होता है, मतलब आपको पता ही है डेरिवेटिव का जो बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो बीइंग एबल टू डिराइव फंक्शंस इज अ वेरी पावरफुल टूल व्हेन इट कम्स टू ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, मैं ना, मुझे 5 मिनट प्लीज, मैं ना नमाज पढ़ लूँ सर, सिर्फ 5 मिनट में अभी आया, ठीक है।